S5, ये S5 उखाड़ के ये उखाड़ दिया हमने, ये चमड़ाई ने दांत में दबा लिया और ये बन गई S11। तो बाकी दूसरी शान की चीज जो है वो हमारे 20 इंच के अलॉय व्हील है, जो कि बहुत शानदार लग रहे हैं। अलग ही डिजाइन भाई ने चूज करा है एक, और एक ये जो डिजाइन है आपका बहुत बढ़िया लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके गाइस, तो अभी जो है हम स्कॉर्पियो हमारी खुल रही है, तो चमुंडा भाई आज क्या काम रहने वाला है? स्कॉर्पियो मेरा पूरी S11 में कन्वर्ट होना है। S11 में दिल्ली की गाड़ी रहने वाली है आज हमारी, देख सकते हो आप। और कट करो यार। हाँ भाई, हाँ भाई, बंदी का फोन आया था। अरे मैं ट्रांसपोर्ट का माल उठा रहा हूँ भाई साहब। तो चमुंडा भाई को डिस्टर्ब करने के लिए 10 लोग तैयार हो जाते हैं जब वीडियो बनाने लगते हैं। तो कोई फोन पे आऊ कर रहा था और कोई बाहर से निकलने लगता है, तो चमुंडा भाई को आता है गुस्सा, तो फिर काम अधूरा रह जाता है। तो अभी क्या काम कर रहे हैं भाई गाड़ी में, जरा डिटेल में बताओ। ये S11 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लाइटिंग के पे भी थोड़ी सी फोकस रहेगा, सिस्टम में भी फोकस रहेगा, थोड़ी सीट को भी फोकस रहेगा इसके। बाकी एक स्कॉर्पियो हमारे ये वाला है, हरियाणा से आया है। हाँ, ये गाड़ी भी तैयार होने के लिए भी आ गए, गाड़ी खुलने वाली है। और एक पंजाब से गाड़ी आया हुआ जो पूरी रेडी हो चुकी है, दिखाता हूँ। पहले इसको एक बार अंदर से घुमा देंगे। तो ये गाड़ी हमारी पंजाब से आई है, पंजाब से आया था, आप नंबर दिखा सकते हो। ये गाड़ी रेडी हो चुका, जाने के लिए तैयार है गाड़ी, ठीक है। और एक जो आया था गाड़ी गुरुग्राम से, वो तैयार होकर पार्किंग में खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है। उसके डोर हैंडल चेंज होना है, डोर हैंडल। मतलब 4 स्कॉर्पियो है, 4 स्कॉर्पियो और एक स्कॉर्पियो गया, एक स्कॉर्पियो गया, तो 5 स्कॉर्पियो है। तू आया था स्कॉर्पियो निकाल रहा था, देखा था, तो वो एक स्कॉर्पियो गया, वो हमारी सूट में नहीं आया, 5 स्कॉर्पियो था। ये देख सकते हो डोर हैंडल वगैरह, उसकी झलक देख लो। अच्छा, ये GT लाइन नॉर्मल वाला है, GT लाइन लाइट है, प्रो मैक्स नहीं है, GT लाइन। क्या बात है, तो इसमें वाइपर देख लो, वाइपर चल रहा है। अरे वाह, और पूरी गाड़ी रेडी हो चुका, अब अलॉय लगेगा, अब अलॉय लगेंगे। तो ये यहीं पे लगेंगे अलॉय या जाएगी यहाँ से? अलॉय गाड़ी लगेगा इनके इधर ही शॉप सिटी में, ठीक है अपना। अच्छा, वहाँ पे वेलोसिटी टायर, क्या बात है। तो ये पंजाब की गाड़ी, तो पंजाब वाले भाई तो पंजाब से लगवाते हैं। ये अंकल जी, इनकी कार है, कैसे अंकल? ठीक है बेटा। तो कहाँ से आए थे आप? हम मोहाली से, बेटा मोहाली से आए, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़। क्या बात है। तो आपको मतलब शॉप के बारे में कैसे पता लगा? अच्छा, यूट्यूब देख के आए हैं, क्या बात है। काम कैसा लगा आपको? कोई कमी पेशी किसी चीज में? थोड़ी सी टाइम आपको ज्यादा लग गया। और क्या बात है, 9 बजे गाड़ी आया था, हम इनके आने से पहले आ गए थे, बस ये है कि थोड़ा टाइम लग गया। तो अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया रहा काम? 9 बजे गाड़ी आ गया था, 4:38 हो रहा है अभी, गाड़ी सफाई चल रहा है, मैट वगैरह डाल के 5 बजे गाड़ी यहाँ से फ्री हो गई। 5 बजे फ्री हो जाएगा, बिल्कुल। क्या बात है। तो 8 घंटे में हमारी गाड़ी है बस अलॉयज रहेगा इसमें, बाकी सब ओके है। इनकी अपनी पसंद से वेलोसिटी पसंद से डलवाने थे, वो समझ नहीं आया। वहाँ तो डिजाइन ही डिजाइन है, वहाँ तो भर भर के पूरे 4 फ्लोर 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ तो अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। क्या बात है। तो दिल्ली से लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अभी जो ये गाड़ी फाइनल हो चुकी है हमारी, तो दिखाएंगे दूसरी। इधर आप लोग चेक कर सकते हो, फ्लोरिंग चल रही है, फ्लोरिंग का काम हो रहा है, फ्लोरिंग खुल रही है पूरी हमारी, फ्लोरिंग करी जा रही है। इधर देख सकते हो, स्टीरियो वीरियो कुछ नहीं आता, तो ये ऐसे आती है स्टॉक स्कॉर्पियो हमारी, बिल्कुल सूखी सूखी। फिर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बढ़िया तरीके से। तो इसमें जो है चारों गेट पे काम हो रहा है, उसके बाद बढ़िया तरीके से काम होगा। इधर देख सकते हो भाई, काम खुल रहा है सारा। तो आगे जो है आशीष भाई, क्या कर रहे हो इसके अंदर? आगे भाई साहब, हम फॉग लाइट लगा रहे हैं और हेडलाइट चेंज कर रहे हैं S11 का, पूरा आगे से S11 लगने वाला है, आगे से S11 बनेगी। और क्या हो रहा है भाई इसमें? अरे मैं कह रहा हूँ गाड़ी में क्या हो रहा है, काम मत पूछो। क्या बात है, भाई कह रहे हैं भाई की शादी करवाओ, तो कोई भाई के लिए कोई रिश्ता विश्ता हो तो कमेंट करके बता देना। आशीष भाई की भी शादी करवानी है, तो आशीष भाई के लिए भी कोई रिश्ता विश्ता हो तो जल्दी बताओ। आशीष भाई हमारे फुल्ली एक्सपर्ट है, फॉग लाइट लगाते हैं, चालू है भाई, चालू है वीडियो, चालू है। कालू मास्टर आ गया हमारा, कालू मास्टर पानी पीने गया दूसरी दुकान पे, वो भी फेंक दिया भाई, पानी बचा ले, तेरे बच्चे क्या पियेंगे, तू फेंक देगा पानी। तो तो आज पूरी गाड़ी हम खुली भी दिखा रहे हैं भाई, फिटिंग किट पार्ट है, महिंद्रा ओरिजिनल का पहचान ये होता है कि यहाँ पे किट पार्ट होता है, और यहाँ पे बल्ब जो होता है वो ओसराम कंपनी का बल्ब होता है, ओसराम का आता है, ठीक है। और यहाँ पे महिंद्रा लिखा होगा नीचे, तो कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये लिख गया महिंद्रा।
तो ये महिंद्रा लिखा हुआ है, तो ये जेन्युइन पार्ट्स की पहचान है। भाई इधर आप लोग देख सकते हो वायरिंग भी महिंद्रा जेन्युइन लगाते हैं, ये नहीं कि आपकी 500-600 रुपए वाली वायरिंग लगा देंगे फॉग लाइट में, हर चीज प्रॉपर। अंदर कैलिपर चेंज होता है तो ये वाली वायरिंग लगता है। हाँ ये देख सकते हो पूरी की पूरी वायरिंग, ये जेन्युइन वायरिंग है हमारी, है बिल्कुल, कोई कह नहीं सकता। ये देख सकते हो इस पर लिखा है किट पार्ट नॉट फॉर रिटेल पर्पस, ये देख सकते हो ये वायरिंग है हमारी, ये इसका बार कोड है, आप स्कैन करके पता लगा सकते हो ये हमारी जेन्युइन है। और इसके अंदर हमारा एच एड बल्ब लगता है, तो ये बल्ब के लिए रहता है, और ये आपका हार्नेस है, ये कनेक्ट हो जाता है अंदर, तो ये पूरी जेन्युइन, ये बल्ब में जाना और ये ओरिजिनल इसकी वायरिंग में जाना। अच्छा ओरिजिनल वायरिंग में जाना, सिर्फ कपलर टू कपलर सारा काम रहता है अपना, ये नहीं कि हम कोई वायर कटिंग करते हैं, सीधा डायरेक्ट कपलर में डाल देंगे और वो कपलर टू कपलर हो गया सारा काम। ये दिखा देते हैं आपको, तो इधर वायरिंग के अंदर आपका कपलर रहता है जो कि पैक आता है कंपनी की तरफ से, तो ये वायर, ये कपलर हमारे कंपनी की तरफ से ही आता है, ये देख लो, तो कंपनी सब कुछ देती है गाड़ी के अंदर। डैम्पिंग का काम चल रहा है हमारे आशीष भाई, डैम्पिंग कर रहे हैं इसके अंदर बढ़िया तरीके से। तो ये भाई डबल लेयर हो रही है, सिंगल लेयर है, डबल लेयर हो रही है आगे के दोनों डोर और पीछे है भाई, डिग्गी भी होगी, डिग्गी होगी, और मतलब पांचों डोर होंगे या चारों डोर होंगे, तीनों होंगे आगे के, अच्छा जहाँ जहाँ स्पीकर लगते हैं, तो फ्रंट में आपके स्पीकर लगेंगे और पीछे डिग्गी आपकी डैम्प हो चुके हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो इधर जो हमारा डैशबोर्ड की फिटिंग चल रही है, फिटिंग कर रहे हो, खोल रहे हो, खोल रहे हो, इंटीरियर हो रहा है, ठीक है भाई। तो डैशबोर्ड हमारा खुल रहा है, आप लोग देख सकते हो पूरा, तो आज हो जाएगा लेट, तो देखते किस तरीके से। आप हमारे रियर डोर के ऊपर भी डबल लेयर डैम्पिंग हो चुकी है, तो बढ़िया तरीके से डैम्पिंग हो रही है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा फिल्म का काम चल रहा है, फिल्म लग रही है गाड़ी के ऊपर, जेड ब्लैक वाली बिल्कुल है, जेड ब्लैक है, जेड ब्लैक नहीं 50% है, जो एसी की कूलिंग के लिए लगाई जाती है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी रहती है। बाकी जो नॉर्मल फिल्म होती है हीट सिंक वाली, वो आप लगा सकते हो, उससे एसी बढ़िया हो जाता है। हनी भाई एसी एक नंबर हो जाएगा, एसी की कूलिंग आएगी, क्या बात है। बाकी हनी भाई बढ़िया फिटिंग करते हैं हमारी फिल्म वगैरह की, काम कराना इनसे कराना बढ़िया तरीके से, बेहतरीन करोल बाग में टॉप का नाम है भाई का। तो इधर आप लोग देख सकते हो बाकी और भी काम चल रहा है गाड़ी का, इंटीरियर हमारा रहने वाला है टैन कलर का, टैन और ब्लैक की कॉम्बिनेशन में काम पूरा बेहतरीन तरीके से चल रहा है गाड़ी का। उधर देख सकते हो नीड फॉर स्पीड की डैम्पिंग करी गई है गाड़ी के अंदर, और ये हमारा पीछे का डोर हो चुका है, अलॉय भी चेंज होने लग रहे हैं अपने, इसमें डलाए 20 इंच के अलॉयज हमने, और ये देख सकते हो स्टॉक है, ये 20 इंच का डिज़ाइन है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो अलॉय व्हील हमारा। तो ये हमारी गाड़ी अभी स्टॉक है, तो स्टॉक के बाद आप देख सकते हो कैसा हमारा लुक तैयार होगा। S5 उखाड़ के, ये उखाड़ दिया हमने, ये चमड़ा ने दांत में दबा लिया, और ये बन गई S11। क्या बात है, सिर्फ लोगों से S11 नहीं बनती, काम से बनती है। अभी हमारी इधर ग्रेट वॉल ऑफ स्कॉर्पियो, ये लग गया हमारा यहाँ पर, एक और ऐड हो गया द ग्रेट वॉल ऑफ स्कॉर्पियो है हमारी, ये उसमें सिर्फ सारे हमने S5 का वो लगा रखा है, सारे नहीं है, S6 प्लस भी इसके अंदर, S11 भी दिख रहा है, दो परसेंट के करीब है, क्या बात है, 2%, हाँ 2-3% होगा, जितनी गाड़ी हमने करी है, तो एक ये हमारी गाड़ी हो रही है, गाड़ी फाइनल हो चुकी है। तो इधर से आपको लुक दिखा देते हैं, ये देख लो भाई पूरा गाड़ी का हमारा लुक है। तो अभी गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है चमुंडा भाई, इसका क्या रीजन है यार, आज स्कॉर्पियो तैयार हो गया नहीं, मेरा सफाई वाला लड़का चला गया था, तो दुकान के लड़के से ऐसी काम करा, साफ करने वाला चला गया था, तो छोटू ने साफ किया, कोई छोटू से जैसा हुआ उसने कर दिया, कोई बात नहीं, आज जो बना है वही हम दिखा लेते हैं, सफाई नहीं पाया कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। तो हमारा देख सकते हो S11 हेडलाइट, फॉग लाइट S11 का, हाँ अपना ग्रिल S11 दिखेगा, ग्रिल S11 है हमारा पूरा, और ABS गार्ड दिखेगा, ABS गार्ड हमारा रहने वाला है, तो मैं जला करके सब दिखाता हूँ। फॉग लाइट, हो गया सामने देख सकते हो आप लोग, ये फॉग लाइट हो गया, लो बीम हो गया, फॉग लाइट बंद हो गया, ये लो बीम हो गया, और एक बार हाई दे दो भाई, हाई बीम कर दो एक बार, ये हाई बीम हो गई, क्या बात है, फॉग लाइट के साथ गली के अंदर देखो, पूरी गली देखो सामने, सामने देखो भाई पूरी गली के अंदर आपको रिस्पांस देखने को मिल जाएगा, ये देख लो पूरा अंदर, अंदर पार्टी करते हुए लोग भी दिख जाते हैं कई बार इस गली में, इधर से आते हैं आपको दिखा, ये देख, ये देखो भाई, ये देखो क्या बात है, अलग ही दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो तो वो स्कूटी खड़ी है, उसका नंबर भी दिख जाएगा आपको, इतना हमारा लाइट रिस्पांस क्लियर हो चुका है गाड़ी का बढ़िया तरीके से। तो बाकी दूसरी शान की चीज़ जो है वो हमारे 20 इंच के अलॉय व्हील है, जो कि बहुत शानदार लग रहे हैं, अलग ही डिज़ाइन भाई ने चूज़ करा है एक, और एक ये जो डिज़ाइन है आपका बहुत बढ़िया लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें BMW का लोगो लगा है, पर ये जो डिज़ाइन है आपका ये मोमो का डिज़ाइन है, ये सेम आपको अलॉय मोमो में मिलता है, और बहुत बढ़िया अलॉय लग रहा है, अलग ही चूज़ करा है,
अलग देखने में ही मतलब चार बंदे तारीफ ही करेंगे देख के। इस टाइप के एलॉय इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ज्यादातर लोग लगा रहे हैं। ये भैया भैया एलॉय बहुत बढ़िया लगा है, मजा आ गया। थैंक यू। बहुत ही अलग चॉइस है आपकी, डिफरेंट। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, पांच पट्टी डलवा लेंगे या कोई डला लेंगे, आज कुछ अलग देखने को मिला है। क्रिएटिव दिल्ली वालों का क्रिएटिव दिमाग है। क्या बात है, पैसे बेशक लग गया, लाख रुपए करीब लग गए होंगे इसमें। इसमें 95,000 रुपए लिया। 95 आप 5,000 ही तो कम होगा, लाख रुपए लग गए एलॉय के। क्या बात है, पुराने देकर पुराने देकर कम हुआ। टोटल 95 का पड़ा है वैसे। क्या बात है, तो बाकी एक बार साइड प्रोफाइल में आप लोग देख सकते हो, इधर आप लोग ये देख लो, ये साइड वेंट हमारा जो कि हमने चेंज करा है, इंडिकेटर राइट करा है, सारा चीज तो खुद ही बोल रहा है। तो अब आदत बन गई ना भाई, तो चमुंड भाई कहेंगे मेरी क्या जरूरत है। अपनी S11 साइड वेंट हो चुके हैं। हाँ, साइड मिरर भी आपको S11 वाला ही दिखेगा, इसके अंदर इंडिकेटर देख सकते हो, इंडिकेटर BMC RPM कंट्रोल में आपको दिखेगा। अच्छा, पूरा मिरर चेंज है आज, BMC नहीं आने वाला। अच्छा भाई, एक चीज बताओ, जैसे BMC जो होता है वो आफ्टर मार्केट पार्ट है ना। BMC हम उसे बोलते हैं ब्लिंकिंग मिरर कवर। हाँ, BMC हम उसे बोलते हैं ब्लिंकिंग मिरर कवर। मिरर के ऊपर कवर लग गया, तो हाँ। ब्लिंकिंग हो गया, मिरर में हम कवर ऐड करते हैं, तो ब्लिंकिंग मिरर कवर हो जाता है। तो ये जो इंडिकेटर है उसमें वो ओरिजिनल रहता है हमारा या आफ्टर मार्केट होता है? नहीं, पूरी महिंद्रा जेन्युइन पार्ट ORBM इसे बोलते हैं। ये तो ORBM है, जो BMC किट आती है वो गैलियो का, वो गैलियो का आता है, तो वो भी अच्छी क्वालिटी होती है ना। अच्छी होती है नो डाउट। तो अपना डीपिलर देख सकते हो, डीपिलर हमारा S11 वाला मैट ब्लैक, डोर वाइजर स्कॉर्पियो में डोर वाइजर, नो डाउट बहुत बढ़िया लगता है, लुक अलग हो जाता है गाड़ी का। 6 पीस वाले रूफ रेल हमने लगाया, अरे बड़े दिन बाद आज रूफ रेल चेंज करने। तो इधर आप लोग देख सकते हो डोर हैंडल तो गाड़ी आज थोड़ी सी गंदी हो रही है भाई, इसमें थोड़ा और अपना फुटरेस्ट मैंने आपको लगते हुए दिखा दिया था। तो आज सारी इंस्टॉलेशन आपने आज वीडियो में देख ली होगी, क्या क्या चीज कैसे इंस्टॉल हुई है। अपना साइड मिरर में दिखाता हूँ चेक करा करके। ये देख लो, इधर से बटन है और इधर ये आपका मूविंग दिखा देगा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब बटन ऑपरेशन हो जाता है इसका। और ये साइड लुक आपने पूरा देख लिया गाड़ी का, पीछे चलेंगे हम। साइड पिलर, डी पिलर हो गया हमारा, स्पॉइलर हो गया। इसको डी पिलर किसने कहते हैं, ये इसका डी डिजाइन है, इसलिए डी डिजाइन आ गया। अच्छा, इसे डी पिलर, मुझे लगा ABCD वाला चक्कर है। आज तक मैं सोचता था इसे डी पिलर क्यों बोलते हैं। ब्रेक लाइट इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि जेड ब्लैक फिल्म है। जेड ब्लैक फिल्म जला करके दिखाता हूं। तो ये आप देख सकते हो, हमारा वाइपर होने वाला है। और भाई जेड ब्लैक करने के बाद गाड़ी का लुक पूरा अलग हो जाता है यार, पीछे का अलग ही शानदार लुक आता है। देख सकते हो पीछे आपको, हमारा वाइपर वर्किंग दिखा देंगे आपको। तो देख लो हमारा वाइपर वर्किंग है बढ़िया तरीके से। पीछे हमारा ये बम्पर पट्टा रहने वाला है, बम्पर पट्टे के साथ ही हमारा रियर गार्ड लगाया है। ये हमारा अपना वाला है, आफ्टर मार्केट हमारा ब्लैक कलर वाला। ये देख सकते हो आप, हमारी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, तो आप चाहो ये लगवा सकते हो। हमारे पास महिंद्रा जेन्युइन भी अवेलेबल है, वो भी चाहो आप ले सकते हो। हाँ। ये रियर गार्निश हो गई हमारी, लिखा हुआ लोगो भी है, स्कॉर्पियो लगा हुआ लोगो भी है। और इधर ये गार्निश आप लोग देख सकते हो, क्रोम वाली लगाई है हमने, जो इसमें कैमरा भी आप देख सकते हो, यहां पे फिटिंग OEM फिटमेंट, कैमरा अंदर होने वाला है, एडजस्टमेंट करके अंदर होगा, बाहर है, बाकी फिटिंग होके बिल्कुल ओके हो जाएगा। और पीछे से हम दिखाएं तो देख सकते हो पूरा सामान वामान पड़ा हुआ है इसके अंदर, थोड़ी सी जल्दी है इनको शादी में जाना है इसलिए। कोई बात नहीं भाई, बाकी देख सकते हो हमारे खानदानी स्पीकर पाइनियर A-सीरीज 650 वॉट। पूरी नाम तेरे को मालूम है, चवंडा भाई ने नाम रखा है इसका, चवंडा ने नामकरण करा खानदानी स्पीकर, जोटो का खानदानी स्पीकर। बिल्कुल, अब मैं अंदर से दिखाता हूं, इधर से देख लो भाई, एम्बिएंट लाइट कितनी बढ़िया लग रही है इधर से, आप लोग इतनी रोशनी में, इतनी रोशनी में इतनी तेज ब्राइट जल रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं कुछ अलग चीज निकाल के लाऊं, क्या बात है, तुम करते हो काम दिल से करते हो, नहीं तो नहीं करते। एम्बिएंट लाइट लाओ, अलग ही चीज लाओ। क्या बात है, अब अंदर से दिखाएंगे आपको गाड़ी, तो अभी छोटा मोटा काम अंदर चल ही रहा है, तो अंदर चलेंगे हम। तो अंदर में आपको सबसे पहले आपको दिखाऊं हमारा महिंद्रा जेन्युइन कप प्लेट रहने वाली है, जो कि स्कॉर्पियो ब्रांडिंग के साथ आती है। ये महिंद्रा जेन्युइन है, जो भी आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर आपको फोर लिखा हुआ दिखेगा, फोर महिंद्रा या फोर स्कॉर्पियो इस तरीके से, और जो जेन्युइन रहता है उसके ऊपर स्कॉर्पियो लिखा रहेगा या महिंद्रा लिखा रहेगा। ये चीज होती है आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट की पहचान। कुछ दिख रहा है गाड़ी के अंदर डिफरेंट? गाड़ी के अंदर भाई डिफरेंट ही डिफरेंट दिख रहा है आज। सीट कवर बहुत बढ़िया डिजाइन के लगे, ये आप लोग पूरा चेकआउट कर सकते हो अंडर थाई सपोर्ट। यहाँ पे ये, अरे ये कहाँ से आ गया आर्मरेस्ट, अरे वाह बढ़िया, एक नंबर। स्कॉर्पियो में हमने आर्मरेस्ट लगा दिया, फॉर्च्यूनर वाला लुक आ रहा है इसके अंदर। बाकी इंटीरियर आप लोग देख सकते हो, नई वाली लेजेंडर वाला कलर हमने इसके अंदर यूज करा है। मेरे को लग रहा है थोड़ी सी अब जो जिस भाई को जो थोड़ी सी परेशानी है ना ग्लास स्टैंड की, तो मैं करने वाला हूँ इसमें सॉकर लगाऊंगा छोटी सी। हाँ उड़िया, और यहाँ पे एक प्लेट लगा रहेगा जिसमें दो ग्लास रख सकते हो।
बाकी स्टोरेज कितनी जगह नहीं होती, दिल्ली वाले खुश हो जाते हैं ग्लास का नाम सुनते ही क्या बात है भाई तो इधर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बढ़िया आपका ग्लास स्टैंड हम लगा सकते हैं, दो ग्लास स्टैंड आ जाएगा और क्या चाहिए। बाकी फॉर्च्यूनर में इनबिल्ट आता है, यहाँ पे बटन दबाओगे वो बाहर आ जाएगा ग्लास होल्डर, तो वो ऑलरेडी पार्टी कार है, टोयोटा ने पहले से पार्टी कार बनाई है। बाकी हम बना देते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो को भी पार्टी कार, बाकी आपने हमारी स्कॉर्पियो पार्टी कार नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, पूरी हमने पार्टी वाले भाइयों के लिए तैयार करी, बियर बार स्कॉर्पियो ओनली वन इन इंडिया। ठंड वीडियो को तबीयत खराब हो गई थी आज अपलोड हुई है कोई बात नहीं, तो थोड़ी बहुत गलती है भाई मुझसे भी हो जाती है पर चलता है क्योंकि वो कंटेंट थोड़ा सा यूनिक था और बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी। इधर आप लोग देख सकते हो ये हमारी एम्बिएंट लाइटिंग है, इतनी रोशनी में भी आपको इतनी बढ़िया दिख रही है, सीट की फिटिंग मैंने दिखाई है, क्यों सीट की फिटिंग देखो थोड़ा सा मजा आ रहा है। तो ये देख सकते हो भाई सीट बहुत बढ़िया लग रही है, एक तो सबसे पहली बात आपको रिंकल देखने को नहीं मिलेगा, एक सेकंड भी इसकी चेंज कर दिया, हमने स्कॉर्पियो वाली रीडिंग लाइट लगा दी है S11 वाली, यहाँ पे नॉर्मल आपका एक वो आता है, बाकी हमने इसके अंदर रीडिंग लाइट लगा दी। तो इधर आप भाई सीट की फिटिंग देख सकते हो भाई, अलग ही आपको चार चार लगाती हुई दिखेगी, बहुत कंफर्टेबल है, मटेरियल कुछ अलग लगा है आज, प्रीमियम लेदर वाला हमारा फिनिश आई है इसके अंदर, जो एक प्रीमियम लेदर की आती है उसी तरीके का हमारा पूरा फिनिश है, तो हम ये क्लेम नहीं करते कि ये प्योर लेदर है, बट ये एक लेदर से मिलता जुलता प्रोडक्ट रहता है। हाँ स्कॉर्पियो की सीट जो है पीछे वाली बिल्कुल ही आड़ी टेढ़ी सी है, इस पर फिटिंग नहीं बन पाती, मेन टास्क होता है कि स्कॉर्पियो की रियर सीट पे आप फिटिंग करके दिखाओ, तभी चमुंडा भाई की इतनी बड़ी स्माइल देख के आपको समझ में आ जाएगा भाई, होती है ना गर्व वाली बात, क्या भाई हमने करा है, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो बढ़िया तरीके से काम हो भाई, नो डाउट चीज आपके सामने आप खुद देख सकते हो, खुद आप लोग जज कर सकते हो, हम अपनी तरफ से तारीफ करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, पर आप खुद देख के जज करो कि हाँ भाई चीज सही में क्वालिटी वाला काम होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है, कभी भाई हमारे पास इतने दूर दूर से भाई लोग आते हैं हम पे ट्रस्ट करके, और सारे भाई खुश होकर ही जाते हैं, स्टीयरिंग भी आप देख सकते हो, तो अब अंदर आ जाते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं गाड़ी, तो ये देख सकते हो भाई गियर वुड आप लोग पूरा देख लो हमारा, ये भी प्रॉपर स्टिचिंग के साथ करा जाता है, जो स्टॉक आता है कंपनी का वो भी इतना बढ़िया नहीं होता, और ये हम अलग ही बना के देते हैं, ये देख लो S11 वाला हमने इसके ऊपर गियर नॉब लगाया है, S11 गियर नॉब, उसके बाद स्टेयरिंग चमुंडा भाई दिखाएंगे, अब चमुंडा भाई जरा स्टेयरिंग दिखाओ, जरा कैमरा मैन बन गया मैं, चमुंडा भाई बन गया कैमरा मैन, ये देख सकते हो आप स्टेयरिंग की फिनिशिंग बढ़िया तरीके से, क्या बात है, ये देख सकते हो भाई यू भी हमने इसके अंदर लगाया है, तो ये टैन कलर की वजह से यू का कलर भी टैन जैसा ही दिख रहा है, हल्का हल्का ऑरेंज वाला उसका इंप्रेशन पड़ रहा है उसके ऊपर, है कुछ बेहतरीन बना भाई, देखने दिखाने लायक, पता नहीं आज गाड़ी कुछ ज्यादा ही प्यारा दिख रहा है मेरे को, सही में भाई टैन कलर में इतना जो खुल के लुक आया ना इस गाड़ी का, देखने दिखाने लायक आया, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ अपनी तरफ से, तो इधर आप लोग ये देख सकते हो ये वाला पार्ट हमारा, ये भी कितना बढ़िया लग रहा है, और इसके अंदर भी हम पैडिंग कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो आज का जो मटेरियल लगा ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लगा, स्टार्टिंग में जब गाड़ी आई थी तब इंटीरियर का प्लान था नहीं इसका, सिर्फ सीट कवर और हमारा डोर्स का प्लान था, जैसे फिर बाद में डैशबोर्ड खुला है हमारा शाम में 6 बजे जाके, पर तब भी इतनी मेहनत के बाद गाड़ी हमारी तैयार हो गई है, क्योंकि आज आपने देखा हमारे पास ऑलरेडी 5-5 स्कॉर्पियो थी, उसके बाद भी इस गाड़ी पे ध्यान दिया गया और काम कंप्लीट करके दिया गया, तो जैसे आप लोग देख सकते हो अभी टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ, ये देख लो भाई पियानो ब्लैक हुआ 10:46 हुए, फ्रेम देख सकते हो भाई पियानो ब्लैक में लगाया इसके अंदर हमने, जो कि हाइड्रो डिपिंग होता है, नॉर्मली आपका मैट ब्लैक में आता है इस वाले कलर में, इधर देख सकते हो स्कॉर्पियो वाला ये, बाकी सिस्टम जो है सिस्टम के बारे में आप बताओ भाई, इसके अंदर सिस्टम हमने भैया का पुराना ही लगाया, भैया के TS20 और आगे कंपोनेंट पुराने था, हमने पीछे ओवर लगाया, एम्बलम हर भैया पुराना था, क्या बात है, बाकी इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट भैया के लगाए हमने वो इन्फिनिटी रेफरेंस के स्टार्टिंग सीरीज के सबसे पहले वाले फर्स्ट सीरीज के, और बहुत आर पार चीजें उसकी आज की डेट में ओल्ड स्कूल वाली वैल्यू है, अब नहीं आ रहा, अब आएगी नहीं और मिलेगा भी तो आपको सेकंड हैंड मिलेगा, और उसकी जो मार्केट डिमांड है बहुत ज्यादा है, जो पुराने लोग पुरानी चीजों के शौकीन होते हैं वो होती है, एक हमारे पायनियर का TS20 है, चोंडो भाई तुमने स्टार्टिंग में बहुत लगाए होंगे जब ये आते होंगे अपने टाइम में, याद ही नहीं लगा दिया, और एक ये था और एक DSP आता था हमारा, जापानी सीरीज है TS20 जापानी सीरीज जो अब नहीं आता, तो साउंड तो सुनाने लायक होगा, जो आ रहा है वियतनाम आ रहा है, वियतनाम आ रहा है, ये जापानी सीरीज है, और दूसरी बात ये इधर देखोगे पोर्ट खत्म हो गया, अरे हाँ पोर्ट कहाँ गया, पोर्ट क्यों नहीं लगाया, मजेदार साउंड में इस गाड़ी के अंदर बेस ट्यूब वगैरह कुछ लगा नहीं, इस गाड़ी का जो हमने वायरिंग करके छोड़ दिया भैया के पास मोनो है पर बेस ट्यूब लाना भूल गए, पहले भी इनके पास स्कॉर्पियो था उसमें से उतार के घर पे रखेंगे, अच्छा तो 2-3 दिन में आएंगे वो फिर लगा देंगे, क्या बात है, तो अब
ये हो गया हमारा पूरा काम आपको दिखाते हैं। अंदर से लाइट बंद एक बार आप देख लो एम्बिएंट लाइट का हमारा पूरा लुक, ये देख लो भाई ये पूरी एम्बिएंट लाइट आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो भाई। आशीष भाई हेडलाइट बंद करो तो इधर आप लोग देख सकते हो पूरा हमारा एम्बिएंट लाइट ऑन करो एक बार, ये एम्बिएंट लाइट का पूरा लुक देख सकते हो कितना बेहतरीन आ रहा है, बढ़िया लग रही है देखने दिखाने लायक आर पार लुक। इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, और ये है पूरा गाड़ी का एम्बिएंट लाइट का लुक एक नंबर तैयार हुई है। गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, हमारे भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? और भाई आपका राकेश भाई भी काफी जल्दी में भाई के घर पे शादी पर तब भी भाई को इतना लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं भाई, काम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, किसी तरह की कोई कमी पेशी भाई? कमी कुछ नहीं, जैसा सोच के आए थे जैसा वीडियो में देख कर आए थे उससे बढ़िया हो गया, बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल तैयार हो गई गाड़ी। क्या बात है, गाड़ी बहुत बढ़िया तैयार हुई है गाड़ी, जैसा आप लोग खुद ही देख सकते हो पूरा। और इस भाई ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा बना कर दिया, जिस हमारी सोच भी नहीं थी उससे बढ़कर करा। क्या बात है, मैं खुश हो गया, मजा आ गया, पूरा पैसा वसूल हो गया, बस मेन बात है वसूल होना चाहिए और खुशी आनी चाहिए, तो बाकी गाड़ी आप लोग यहाँ से देख सकते हो खुश होकर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं। बिल्कुल भैया बढ़िया लगा आपसे मिलके एक बार, तो बस भैया मिलते हैं आपसे बाकी नेक्स्ट टाइम, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। पसंद जो है, हाँ जी, मेरे बेटे की थी रौनक की। अच्छा, ऐसे बना के लेके ओके, तो फिर आपने बेटे की पूरी विश पूरी कर दी है, क्या बात है, तो भैया का बेटा बिल्कुल खुश हो जाएगा। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना, गाड़ी पूरी नेक्स्ट लेवल तैयार हुई है, स्कॉर्पियो तो एक गैंगस्टर कार, तो एक पूरा इसको दिल्ली वाली लुक में तैयार हुई है गाड़ी, आज बढ़िया मजा आ गया। आपने अलग अलग जगह की गाड़ी देखी, क्या दिल्ली की गाड़ी दिल्ली में देखोगे, तो ये देखो ये है दिल्ली वालों की चॉइस। बिल्कुल ओके भैया, मिलते हैं।